अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में अब किन लोगों का राज है, कैसा राज है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मानवर उन्नाव का बहुत शानदार इतिहास रहा है। जब उन्नाव का नाम आता था तो साहित्यकारों का नाम, वीरों का नाम, चंद्रशेखर आजाद का नाम, हम लोगों का भी सीना चौड़ा हो जाता था कि हम लोग उस जिले में पैदा हुए, उस भूमि में पैदा हुए जहां बहुत बड़े बड़े कवि, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार, क्रांतिकारी और देश को आजादी दिलाने वाले लोग पैदा हुए। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग भी शर्मसार हैं। और उन्नाव की कोई यह पहली घटना नहीं है। और इस घटना में कौन लोग हैं, किस दल के हैं, उस दल के विधायक का भी सब कुछ सामने है। जो ये घटना है जो 5 दिसंबर को हुई, एक बेटी को जिंदा जला दिया गया, ये घटना 5 दिसंबर की सिर्फ नहीं है, उसके साथ गैंग रेप हुआ। गैंग रेप उसके साथ हुआ दिसंबर 2018 में। वो लड़की भटकती रही, थाने जाती रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, बिहार उन्नाव के बिहार थाने के पुलिस ने उसकी एफआईआर नहीं लिखी। उसको माननीय न्यायालय जाना पड़ा। माननीय न्यायालय से एफआईआर मार्च में होती है। मान्यवर, मार्च के बाद एक केवल आरोपी जेल भेजा जाता है, वो भी कुछ दिनों के बाद छूट आता है। और आरोपी कोई नहीं, आरोपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं मान्यवर केवल सरकार से जानना चाहता हूं कि दिसंबर 2018 से लेकर माननीय न्यायालय के निर्देश पर एफआईआर मार्च 2019 में होती है, इस बीच उन आरोपियों को कौन बचा रहा था, कौन उनकी मदद कर रहा था? बिहार थाने की पुलिस, जिसकी जिम्मेदारी थी आरोपियों को पकड़ करके जेल में भेजने की, वो थाने पर बैठ करके उनको समोसे और चाय क्यों पिला रहे थे? वो कौन नेता था? शायद यही छिपाने के लिए जिस दिन उस बहादुर लड़की को जिंदा जलाया गया, वो रिफर होकर के लखनऊ आई। समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को निर्देशित किया कि उस बेटी को बचाना है। आप कई हमारे सदस्यों को कहा कि आप लोग जाइए, डॉक्टरों से बात करिए कि उसका इलाज हो सके। और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कहा कि सरकार पर भरोसा मत करना और परिवार से मिलकर के कहना कि बेटी को बचाना है, जो भी इलाज का खर्चा आएगा वो समाजवादी पार्टी उठाएगी, लेकिन उस बहादुर बेटी को बचाना है। मान्यवर, हम कई हमारे इस सदन के भी साथी पूरे दिन सिविल अस्पताल में खड़े रहे कि परिजनों से मिलने, लेकिन इस सरकार ने परिजनों से नहीं मिलने दिया। और इसलिए नहीं मिलने दिया कि सच सामने ना जाए। जब समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अहमद हसन साहब भी गए, पहले लगा कि हो सकता हम लोगों को ना मिलने दें, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और अहमद हसन साहब जाएंगे तो परिवार के लोगों से मिल लेंगे तो आर्थिक मदद समाजवादी पार्टी कर देगी, लेकिन हमें अफसोस कि इन लोगों को भी नहीं मिलने दिया गया। समाजवादी पार्टी के जब सभी नेताओं ने दबाव बनाया तो किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए सरकार ने उसको दिल्ली रेफर किया, लेकिन यहां भी डॉक्टरों ने कह दिया था कि बचेगी नहीं, 90% जल गई। लेकिन माननीय सभापति जी, जिस जगह घटना हुई, हम लोग गए थे जिस जगह उसको जलाया गया, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि वो कितनी बहादुर थी। वो 1 किलोमीटर दौड़ी, 1 किलोमीटर के बाद एक आदमी दिखाई दिया, उसने चिल्ला के कहा कि 100 मिला दीजिए, डायल 100 कर दीजिए, हमारी बात हो जाएगी। वो जायसवाल है बिहार का, उसने डायल 100 करके उस लड़की के कान में लगाकर पुलिस से बात कराई, पुलिस को बताया, उसके बाद फिर वो 300 मीटर दौड़ी, उसके बाद गिरी। कितनी बहादुर थी। लेकिन मैं केवल ये कहूंगा कि सच सामने ना जाए, इसलिए हम लोगों को मिलने नहीं दिया गया। लेकिन आज तो सच सामने आ गया, जब वो बेटी नहीं बची
आज उस बेटी का बाप क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बचा रहे थे उनको, भारतीय जनता पार्टी में सरकार में शामिल लोग बचा रहे थे। हम तो केवल जानना चाहते हैं सरकार से, सरकार किस तरफ है। आपने बहुत अच्छा नारा दे दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मुख्यमंत्री जी किधर खड़े हैं? एक भगवा पहन के साधु शाहजहांपुर में, उन्होंने क्या किया? बेटी कहां है और साधु को कौन बचा रहा? सरकार बचा रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बचा रहे हैं। हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं भगवा रंग का, आस्था का प्रतीक है, हमारे गौरव का प्रतीक है, लेकिन मानवर अब दुख होता है उस भगवे रंग के पीछे भेड़िए, उनसे हमारी बहन बेटियां नहीं बच पा रही हैं। और अगर आरोप लगाएं तो सरकार बलात्कारियों को बचाने के लिए पूरा जीजान लगा देती है। उन्नाव के विधायक पर माननीय न्यायालय ने फैसला किया, सरकार तो उसी तरफ खड़ी रही। हम केवल मान्यवर जानना चाहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग बलात्कारियों के साथ खड़े हैं या बेटियों के साथ खड़े हैं? मान्यवर, यह सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी है, और यह सरकार अगर बलात्कारियों के साथ नहीं खड़ी होती तो आखिर क्या मजबूरी है? हर बेटी जो न्याय मांगती है, या तो उसको जिंदा जला दिया जाता है या उसको जिंदा जलने पर मजबूर कर दिया जाता है। तो आखिर हम लोग कहां जी रहे हैं, किस समाज में, कौन सा समाज दे रही है यह सरकार? तो हम केवल सरकार से यह जानना चाहते हैं कि आखिर आप बेटियों के साथ कब खड़े होंगे। हम जानना चाहते हैं कि जो लोग उन बलात्कारियों को बचा रहे थे उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। जो थानेदार था उस समय जब बलात्कार हुआ, जिसने एफआईआर नहीं लिखी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? जो इस समय, जिस समय वो बेटी जली, जब वो थानेदार था, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? और इस देश को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? मानवर, हमारे गांव के आसपास के लोग जो दूसरे दूसरे शहरों में रहते हैं, बंबई, कलकत्ता, पंजाब, अब वो हम लोगों से कहते हैं कि अब जब हम वहां कमरा लेने जाते हैं तो उन्नाव के नाम पर कोई कमरा नहीं दे रहा है। यही समय आएगा तो एक दिन उत्तर प्रदेश के नाम पे कोई आपको सम्मान नहीं देगा। इतना अपमान। तो इन बेटियों को बचाने के लिए आखिर सरकार से मैं केवल यही कहूंगा कि सरकार तय करके बताए कि क्या उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जिन जो आरोपियों को बचा रहे थे। और मान्यवर, हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देंगे कि जिस दिन से घटना हुई, उस दिन से लेकर उस बहादुर बेटी के अंतिम संस्कार तक समाजवादी पार्टी उस परिवार के साथ रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी अभी गए थे उस परिवार के घर। माननीय मान्यवर, अगर उस परिवार की स्थिति देख लें आप, उसका घर, घर में बर्तन, कपड़े, चारपाई, उसका पूरा सामान अगर मिला ले तो उस परिवार का पूरा सामान 1,00,000 रुपए का भी नहीं होगा। और यह सरकार कहती है कि हम आवास दे रहे हैं, उस परिवार के पास आवास नहीं है, झोपड़ी है, चूल्हा भी टूटा है। जिस तरीके से मानवर, अब मैं केवल यह कहूंगा कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, उससे भी ज्यादा दर्दनाक बात क्या है कि उस बहादुर बेटी की जो बहन है उसने कहा कि हम अब इस गांव में नहीं रह सकते, अभी भी धमकियां मिल रही हैं, हमारे साथ भी बलात्कार हो जाएगा, हमको भी जिंदा जला दिया जाएगा। इसका मतलब दहशत का माहौल है, अभी भी धरने पे और परिवार अभी धरने पर है। हम लोगों ने कहा कि नौकरी मिल जाए, सुरक्षा मिल जाए, लेकिन मानवर, भय इतना व्याप्त है उस गांव में, उस परिवार में। और सिर्फ ये केवल उन्नाव में भय नहीं व्याप्त, पूरे उत्तर प्रदेश में भय व्याप्त है। और सवाल यह भी नहीं है कि केवल बहन बेटियां विपक्ष के लोगों के घर में हैं, अरे जो सरकार में हैं इनकी भी बहन बेटियां दहशत में हैं। पता नहीं इनका जमीर कब जागेगा। हो सकता है सरकार में कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके बहन बेटियां नहीं हैं, जिनके परिवार नहीं हैं। मानवर, हम इसको कितना भी छोटा करना चाहें, विषय इतना बड़ा है, दर्द इतना बड़ा है कि हम तो चाहेंगे कि कम से कम अपनी बहन बेटियों के बारे में,
और मानवर मैं खत्म कर रहा हूं एक लाइन में, ये केवल उन्नाव की घटना। और उस घटना के बाद अभी उन्नाव में हसनगंज थाने में एक पीड़िता ने कप्तान ऑफिस में अपने ऊपर तेल डाल करके जला लिया और वो भी 85% जल गई है। फतेहपुर की घटना आपने पढ़ी होगी। मान्यवर जितना हम आपके बारे में जानते हैं, जितना हम दुखी हैं, उससे ज्यादा आप दुखी होंगे। आप इस देश की आजादी के लिए लड़े हैं और ये सपना आपने नहीं देखा होगा कि जिस आजादी के लिए लड़े, जिस देश के लिए लड़े, उस देश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं होंगी। कानपुर देहात की घटना, मैनपुरी की घटना, हमारे पास अखबार बहुत हैं मानवर, लेकिन हम नहीं जाना चाहते कि किस किस तरीके से अखबार में छपता है। फतेहपुर की घटना में दुष्कर्म पीड़िता बालिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ, मतलब जो छपा है वो यहां कहने में भी शर्म महसूस हो रही है। तो मान्यवर, क्योंकि इन बलात्कारियों के अंदर, मैं खत्म कर रहा हूं, इन बलात्कारियों के मन में सरकार का डर नहीं है। सरकार का डर इसलिए नहीं है मान्यवर, क्योंकि सरकार बलात्कारियों के साथ है, शामिल है। जब सरकार के लोग शामिल हों, सरकार का विधायक शामिल हो, इस सरकार में देश के गृह राज्य मंत्री रहे हों, वो बलात्कार में शामिल हों, उनके कार्यकर्ता शामिल हों, तो पुलिस की क्या हैसियत है? भारतीय जनता पार्टी का विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री बलात्कार करे और पुलिस की हैसियत उत्तर प्रदेश की कि उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए? तो हम केवल सरकार से जानना चाहते हैं, बेटी तो मर गई, परिवार बर्बाद हो गया, उन्नाव की बदनामी पे बदनामी है, लेकिन उस बेटी के खिलाफ जिन दरिंदों ने बलात्कार किया था, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बचा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उस बेटी का बाप जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उनको बचा रहे थे, नहीं तो उसकी बेटी मरती नहीं, उसकी बेटी को न्याय मिल जाता। उत्तर प्रदेश में कब तक ऐसा होता रहेगा? एक तरफ बलात्कार होता रहेगा और अगर बेटी बहन न्याय मांगेगी तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा और उसको जेल भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।